हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शर्ट पीस से कुर्ती। मेरे पास शर्ट पीस पड़ा है एक ये वाला। कई बार हमें गिफ्ट में बहुत ही अच्छे शर्ट पीस मिलते हैं, लेकिन हम शर्ट स्टिच करवाते ही नहीं है। तो ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, इसका इस तरह का शर्ट पीस पड़ा है। तो आजकल चेक्स ज्यादा फैशन में है, तो मैं इससे कुर्ती बना रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड में आपसे शेयर करूंगी, आप भी इस तरह से अपने शर्ट पीस का यूज करके कुर्ती बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और यूजफुल भी होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। ये मेरा शर्ट पीस का फैब्रिक है, ये लगभग 2 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है, यानी कि ये हमारी फैब्रिक की 4 लेयर्स है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके इसे रखना है। अब आपको लेनी है अपनी कोई भी कुर्ती, और कुर्ती को हमें फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेना है। अब हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमने पूरे में इस तरह से इसे मार्क कर लिया है। इसके अलावा सेकंड आइडिया ये है कि आप अपनी कोई भी पुरानी कुर्ती लीजिए जिसे अब आप नहीं पहनते हैं, और उस कुर्ती को पूरा खोल दीजिए। जैसे कि ये मेरे पास एक कुर्ती की कटिंग की हुई है, और उस पुरानी कुर्ती को खोलने के बाद उसे एक पार्ट्स को प्रेस करके इस तरह से आप रख लीजिए। आप अपने साइज की कुर्ती जब भी बनाना चाहते हैं तो उस ड्राफ्ट का आप यूज कर सकते हैं और कुर्ती इजिली बना सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से एक ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। तो अब मुझे बहुत ही आसानी रहती है, जब भी कुर्ती बनानी है तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेजरमेंट लेना नहीं आता है तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं स्लीव्स लगाऊंगी। मैं बहुत ही छोटी सी स्लीव्स लगाती हूँ, तो ये साइड का बचा हुआ फैब्रिक है उसी को मैं लूंगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। अब कुर्ती का जो आर्म होल्ड है इसे हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दूंगी। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी है। आप जितनी बड़ी स्लीव्स बनाना चाहे उतनी बना सकते हैं। हम जो फ्रंट साइड होगी हमारे स्लीव्स की, वहां से 1/2 इंच यहाँ से डाउन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि आर्म होल्ड की जो फिटिंग है वो अच्छी आती है। अब यहाँ पर मार्क कर लेना है ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी आगे की साइड है। अब स्लीव्स में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर किनारी है तो हमें एक ही बार फोल्ड करना है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं लूंगी 3.5 इंचेस, यानी कि 3.5 इंच, और इसकी गहराई मैं लूंगी 3 इंचेस। मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो दोनों साइड मैं सेम रखूंगी। अब यहाँ से राउंड शेप दे दें और इसे कट कर लेंगे। अब एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। 10.5 इंचेस इसकी लेंथ ली है, और यहाँ से ये 2 इंच चौड़ाई है इसकी। इसी तरह से एक और स्ट्रिप हम कट कर लेंगे, जिसकी लंबाई हमें लेनी है 23 इंच मैंने ली है, और इसकी चौड़ाई भी है 2 इंचेस। अब हम सिलाई करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हम अलग कर लेंगे, और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर मिडल में मैं एक कट लगा दूंगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैं सेंटर निकाल लूंगी। ये मैंने सेंटर पर इस तरह से मार्क कर लिया है। अब ये जो हमारी छोटी स्ट्रिप थी उसे मैंने यहाँ पर पिन लगाकर मिडल में सिक्योर कर लिया है, और ये जो हमारी लंबी स्ट्रिप थी उसे मैंने फोल्ड करके यहाँ पर साइड में स्टिच कर ली है। अब इसे हम यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब इसे हम इस तरह से यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे, और ये जो हमारे सेकंड स्ट्रिप है
उसे यहाँ से हल्का सा फोल्ड करना है और इसे भी हम यहाँ पर नीचे इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हमें प्लेट लेनी है। आप चाहे तो पहले प्लेट इस स्ट्रिप में बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर सीधा इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमने प्लेट कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये हमारा रेडी है। अब आप जब भी किसी ओल्ड शर्ट को रिजेक्ट करते हो तो उसके बटन जरूर निकाल लें। अब मैं इसके बटन का यहाँ पर पैटर्न करने के लिए यूज कर रही हूँ और इसके लिए मैंने लिए हैं ये बटन और साथ ही में मैंने लिया है रेड कलर का वुलन का थ्रेड और इसे अब यहाँ पर मैं इस तरह से अटैच कर लूंगी। सो गाइस, ये हमारी बटन की हेल्प से बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन रेडी है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब एक क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप लेनी है हमें और इसे हमें उल्टी साइड यहाँ पर ऊपर रखना है और यहाँ से हम इसे स्टिच करके यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिप को अटैच कर ली है। अब इसे हम आगे की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरह से यहाँ पर फोल्ड हो चुकी है। इसी तरह से हम बैक साइड में भी कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट साइड के ऊपर हम हमारे बैक साइड को इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर दोनों साइड स्टिच करके इसे ज्वाइंट कर लेंगे। हमें यहाँ पर 1/2 इंच डाउन कट कर लेना है जैसे कि फिटिंग अच्छी आएगी। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स जिस साइड हमने ये मार्क किया था वो हमारी आगे की साइड थी, तो हमें स्लीव्स को ये साइड आगे रखते हुए इस तरह से यहाँ पर अटैच करनी है। तो यहाँ पर हम स्टिच करके इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमें स्टिच करना है। ये हमने यहाँ पर दोनों साइड स्टिच कर ली है। अब हम यहाँ से यहाँ इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ से ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमें फोल्ड करते हुए यहाँ से पूरा नीचे तक इस तरह से दोनों साइड फोल्ड करना है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी ब्यूटीफुल कुर्ती शर्ट पीस के कपड़े से बनकर रेडी है। आई होप आपको ये आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। आपके पास भी पड़ा है अगर ऐसा कोई भी शर्ट पीस का फैब्रिक, तो जल्दी से उसे उठाइए और बना डालिए अपने लिए कुछ स्पेशल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।